हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरिंग कंट्री के नए सेशन में, जिसमें आज मैं लेके आऊँ आपके लिए जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी देशों से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। अब म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम बता देते हैं। म्यांमार भारत से जुड़ा हुआ वो देश है, वो राज्य, वो देश है जहाँ पर बहुतायत में बौद्ध धर्म के जो है वो लोग रहते हैं। और हाल ही के दिनों में यहाँ पे रोहिंगा मुस्लिम का मुद्दा भी उठा हुआ था, जिसके कारण यहाँ के प्रधानमंत्री या फिर अपने वाइस चांसलर कुछ भी कह लीजिए, आंग सैन सू की को का जो नोबेल पुरस्कार था उसको लेके भी बात चल पड़ी थी। आज हम जानेंगे बहुत कुछ इस सेशन में इसके बारे में। बट फॉर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है एचबीटेक कानपुर से, एसएससी सीजीएस 17-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस का लोअर का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है और रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया। 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं अन अकेडमी के ऐप से, तो ये अन अकेडमी का लिंक दे रखा है। इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव वीडियोस मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे, इसके साथ साथ में लाइव क्लासेस के दौरान आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका मिलता है, और साथ में लाइव क्लास के दौरान मॉक इंटरव्यू भी, मॉक जो है वो क्विज भी दे सकते हैं। क्लास के साथ साथ में मॉक पोल चलते रहते हैं, जिसके आधार पे आप ये देख सकते हैं कि बाकी लोगों में आपकी रैंकिंग क्या है, बाकी लोगों में आप किस नंबर पे आते हैं, आपकी रैंकिंग क्या है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एसएससी एग्जाम के लिए, अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं कि आपका एक भी चैप्टर इनकम्प्लीट ना रह जाए, तो आप जुड़ सकते हैं एसएससी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के साथ में। ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो है 6 महीने और 12 महीने का, क्योंकि ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और इतने इतने टाइम पीरियड में आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाती है, रिविजन का टाइम भी मिल जाता है और सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। एसएससी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जीएस पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे, इसका मतलब है यू आर ओपन टू ऑल, आप सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं। और इसमें वैलिडिटी जो है वो डिपेंड करती है कि कितने महीने का आप ले रहे हैं, 6 महीने का, 12 महीने का या फिर 24 महीने का, क्लियर है। लेकिन अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं योगेंद्र, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जो जिससे आपका जो प्राइस है वो और घटके कम हो जाता है। जैसे अगर 5,400 घटके जो है, जो अगर 6,000 तो घटके 5,400 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। तो हम बात कर रहे हैं बर्मा के बारे में, म्यांमार के बारे में। अगर इसकी इसके हम कलर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इंडिया की तरह यहाँ पे येलो, ग्रीन और रेड कलर से इसका झंडा बना हुआ है, 3 रंग से झंडा बना हुआ, बीच में व्हाइट कलर है। नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ की बर्मा जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये म्यांमार का क्षेत्र है पूरा का पूरा, और यहाँ पे इसकी राजधानी है नाफेडो। नाफेडो जो है घिरा हुआ है चाइना, इंडिया, थाईलैंड, लाओस, इन सभी देशों से इसकी जो है सीमा रेखा वो अटैच होती है, साथ में यहाँ पे बांग्लादेश भी है। आगे बात करें नेशनल कैपिटल क्या है, नाफेडो है। नेशनल करेंसी क्या है, क्या थी यहाँ की नेशनल करंटी है। और यहाँ की लार्जेस्ट जो सिटी है दैट इज यांगून, जिसे हम रंगून भी कह सकते हैं, आप यांगून कहिए, रंगून कहिए, एक ही बात है। एथनिक ग्रुप की बात करें तो 68% बामर, 9% शान, 7% करेन, 4% रखेने, 2% मून और 1% हिंदूज यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में मुस्लिम्स भी मौजूद हैं, जिन्हें हम रोहिंगा, ये रखेने जो है वो एक काइंड ऑफ मुस्लिम प्रजाति है, जिसको लेके बहुत सारा विवाद भी यहाँ पर छिड़ा हुआ था। आगे चलते हैं म्यांमार के बारे में और डिटेल से। इंडिपेंडेंस डे यहाँ का या फिर जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी 4 जनवरी 1948 को सबसे पहले बर्मा आजाद हुआ था, किससे, ब्रिटिशर्स से। इसके साथ साथ में आप देख सकते हो कि ये वो पिक्चर है जिसमें ब्रिटिश गवर्नर हर्बर्ट इवंस, रॉन्स और शाह सू ताइक जो है वो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब की बात है, ये जनवरी 1948 की बात है। इसके बाद आगे देखें नेशनल वर्ड यहाँ का क्या है, तो ग्रीन पी फॉल या फिर टाइगर एनिमल की बात करें तो टाइगर, वर्ड की बात करें तो ग्रीन पी फॉल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी और पशु है। ये मोर की तरह है, मोर को आप कह सकते हो कि मोर की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज नेशनल ट्री क्या है, देव बबूल यहाँ का नेशनल ट्री है। नेशनल फ्लावर बर्मीज रोजवुड और पशु पंडू, कुछ जगह पे पशु पंडू का नाम आया है, कुछ जगह पे बर्मीज रोजवुड का नाम आया, तो दोनों ही आपको याद रखने। ये पिक्चर है, येलो कलर के ये होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं बहुतायत में, बल्कि काफी संख्या में है ना। तो क्या रखेंगे आप, बर्मीज रोजवुड याद रख लो या फिर पशु पंडू याद रखो, एक ही बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन इज फेमस फेस्टिवल की बात करें तो तिंगयान फेस्टिवल, ये यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। दूसरा बड़ा फेस्टिवल है कोचीन मानव फेस्टिवल, ये भी दूसरे नंबर का बड़ा फेस्टिवल है। और तीसरा है
क्या की ख्यातो तांगयुंग फेस्टिवल, ये जो है वो तीसरा बड़ा फेस्टिवल है। तीन बड़े बड़े फेमस फेस्टिवल हैं, तिंग्यान, कांचीन और क्या ती है तो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। ये आप देख सकते हो कि यहाँ के जो तिंग्यान फेस्टिवल है वो मुख्य रूप से हमारे यहाँ के होली फेस्टिवल के समान ही है। जिस तरीके से हम होली में पानी डालते हैं, रंग डालते हैं, कलश डालते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीजें डाली जाती हैं, पानी डाला जाता है ताकि लोग जो है इसको सेलिब्रेट कर सके। अब तो खैर लोग आपस में लड़ झगड़ जाते हैं किसी के ऊपर पानी डाल दो, लेकिन ये फेस्टिवल अभी भी यहाँ पर मनाया जाता है और कलर यहाँ पे नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट वन इज स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार, इनका नाम है आंग सैन सू की, ये यहाँ की स्टेट काउंसिलर है। अब स्टेट काउंसिलर का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए कि स्टेट काउंसिलर का मतलब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के पद की बराबरी, जो सारा का सारे करता धरता होते हैं वो स्टेट काउंसिलर ही होते हैं। अब आंग सैन सू की को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन जब रोहिंग्यास की डेथ के ऊपर बात आती है, रोहिंग्यास की किलिंग के ऊपर बात आती है, जनोसाइड के ऊपर बात आती है, तो आंग सैन सू की के ऊपर सवाल उठने लगते हैं कि जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है पीस को लेके, उसी के देश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और उन्होंने वो कुछ भी नहीं कहती इस बारे में, लेके वो कोई बयान नहीं देती इस बारे में, लेके एकदम म्यूट स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर की तरह बनी हुई है। आगे चलते हैं, ये है आंग सैन सू की। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली ऑफ द यूनियन, यहाँ की नेम ऑफ द पार्लियामेंट है, जैसे म्यांमार भाषा में पेंगसू हिल्तू कहेंगे, है ना, प्रॉपरली तो ये प्रोनाउंस मैं नहीं कर पाऊँ लेकिन पेंगसू हिल्तू इसको बोलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल 440 मेंबर हैं और टोटल 14 प्रांतों में पूरा का पूरा देश बटा हुआ है, 14 प्रांत हैं। अब ऐसे देख सकते हैं फिगर में ये प्रांत किस तरीके से बटे हुए हैं अलग अलग, तो टोटल 14 प्रांत हैं जो कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस इन सभी देशों से घिरे हुए हैं या सभी देशों से कनेक्टेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, चिल्लौन। ये चिल्लौन कुछ भी नहीं है बल्कि फुटबॉल की तरह का एक गेम है जिसे चिल्लौन कहा जाता है। तो चिल्लौन क्या है, फुटबॉल की तरह खेला जाने वाला एक खेल है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट पीक इन म्यांमार, तो थीका काबू राजी या कबाबू राजी यहाँ का एक हाईएस्ट पीक है जो कि म्यांमार का है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे केटू है, भारत की बात करें तो कंचनजंगा है, तो अलग अलग देशों की, श्रीलंका की बात करें तो माउंट पेड्रो है ना, तो अलग अलग देशों की हाईएस्ट पीक भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इज रिवर बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी और सबसे सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो इरावैडी नदी सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी मानी जाती है यहाँ की। नेशनल पार्क कौन कौन से है, नटामटोंग नेशनल पार्क, लैम्पी आइलैंड मैरीन नेशनल पार्क, अलांगडॉ कथपा नेशनल पार्क, ये सारे के सारे बड़े नेशनल पार्क हैं। नेशनल एंथम है काबा माकाई यहाँ का राष्ट्रीय एंथम है, मतलब राष्ट्रीय जो कदरी के कह सकते हैं कि गान है, राष्ट्रीय गान है यहाँ का। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि करंट अफेयर इन 10 में या फिर म्यांमार के बारे में जरूर थी बतानी। म्यांमार को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। कमेंट में अगर आपका कोई ऐसा ऐसा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन बच गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि भाई म्यांमार के बारे में ये जानकारी रह गई है या वो जानकारी रह गई है, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा और कमेंट भी जरूर करूंगा। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो योगेंद्र कोड जरूर याद रखें, और मैंने न्यूडिंग कंट्री को लेके और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि मैंने नेपाल को लेके बना दिया है, पाकिस्तान को लेके बना दिया है, म्यांमार को ले श्रीलंका को लेके बना दिया है, चाइना को लेके बना दिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों के जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। डू सर्च देम, उनके जाके सर्च करिए, पढ़िए, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हिट वेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मिलेंगे आपको हर एक वीडियोस के लाइव हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10।